ये किताबें मुसनद अबू जाला, ये वाक़या सही सनद के साथ नकल हुआ है। इसका एतराफ़ अहले सुन्नत उलमा ने किया है। मुलाहिज़ा करें सीरत खैरुल इबाद इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ़ शामी की, उन्होंने इस वाक़े को बीबी आयशा के मनाकिब में शामिल किया है। अब आप वाक़या मुलाहिज़ा करें। अबू याला, अबू शेख और इबन हिबान ने जैद सनत के साथ हज़रत आयशा से रिवायत की है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मेरा सामान थोड़ा था और मेरा ऊँट तेज़ था। हज़रत सफ़िया का सामान भारी था और उनका ऊँट सुस्त था। रसूल अल्लाह ने फरमाया, आयशा का सामान सफ़िया के ऊँट पर रख दो और सफ़िया का सामान आयशा के ऊँट पर रख दो ताकि कारवां रवाना हो सके। जब हज़रत आयशा ने ये देखा तो कहा, अल्लाह के बंदो, ये यहूदिया रसूल अल्लाह के बारे में ये मुझ पर गालिब आ गई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा सामान थोड़ा है और सफ़िया का सामान ज़्यादा है, कारवां सुस्त हो गया है। हज़रत आयशा ने कहा, क्या आप गुमान नहीं करते कि आप अल्लाह के रसूल हैं? रसूल अल्लाह ने मुस्कराया और फरमाया, क्या तुम्हें इस बात में शक है? हज़रत आयशा ने फिर से कहा कि आप गुमान नहीं करते कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अदल क्यों नहीं करते? ये बात हज़रत अबू बकर ने सुन ली और हज़रत आयशा के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अबू बकर ठहर जाओ। इस वाक़े के बारे में इमाम इबन हजर अपनी किताब फतुल बारी में फरमाते हैं, अबू याला ने इस वाक़े को नकल किया है ऐसी सनद के साथ जिसमें कोई मसला नहीं।